गाइस आज मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। चाय पिया की चाय का टाइम हो गया है ना। पी रहे हैं। चाय लाओ भाई। तो बहू रानी चाय लेके आ गई हैं। बहू रानी चाय लेके यार आ गई है। बना रही है। तो अब यहाँ पे 10-15 दिन और बचा है, उसके बाद फिर हमारा छुट्टी खत्म, हम रिटर्न चले जाएंगे बेहतरीन। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस आज है सावन का तीसरा सोमवार और मैं भी जस्ट नहा के आई हूँ और अब जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने। क्या हो रहा है जी यहाँ पे, क्या हो रहा है? सौरभ जोशी ब्लॉग। सो गाइज यहाँ पे हमारा ब्लॉग छोड़ के ये लोग सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, सौरभ जोशी ब्लॉग चल रहा है, हमारा ब्लॉग ये लोग नहीं देख रहे हैं। ये लोग सौरभ देखे हो? देखे थे पक्का? विराज किसका ब्लॉग देख रहे हो? बुआ का ब्लॉग नहीं देख रहे हो पक्का? तुम लोग मेरा ब्लॉग नहीं देखते। चलने लगा हमारा ब्लॉग। सो गाइस आज मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ, थोड़ी देर में पहन के रेडी हो जाऊंगी। तो आज होगा इस साड़ी का मैजिक से पहनूंगी मैं। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना। और एक बात और, तो गाइस ये जो साड़ी है ये मेरी विदाई वाली साड़ी है। शादी में मेरी विदाई, हमारे यहाँ विदाई होती है तो वैसे बनारसी साड़ी में होती है, लेकिन मैंने बनारसी ली थी पर मैं ये पहन के, मैंने बोला नहीं ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं ये वाली अपनी विदाई की साड़ी बनाई थी और मेरी विदाई इसी साड़ी पे हुई थी। मतलब मैं ससुराल यही साड़ी पहनती गई थी फर्स्ट टाइम शादी के बाद। तो ये साड़ी की का वर्क मतलब आज भी जैसा था वैसा ही है, देख सकते हैं इसका वर्क कितना ज़्यादा अच्छा है। ये देखो इसका वर्क देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। ये पूरे प्लेट पे ऐसे वर्क है, ये पूरे प्लेट पे एकदम लहंगा डिज़ाइन का। और इसका आज भी मतलब 11 साल हो गए मेरे शादी को और इसका आज भी एक भी स्टोन नहीं गिरा है, एक भी वर्क डैमेज नहीं हुआ है, काला नहीं पड़ा है। 11 साल पुरानी साड़ी है और सच में मतलब इसका कलर वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसका फैब्रिक एकदम प्योर जॉर्जेट है। ये देखिए इसका आंचल है ना प्यारा ये। सो गाइस ये साड़ी मेरी कैसी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना यार। तो मैं हूँ यहाँ और इस कपड़े को एक साल भी नहीं हुआ है, ये आप जान लीजिए। सो गाइस मैं भी बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, रील बनाया मैंने, बेबोली मेरा बहुत अच्छा अच्छा रील बनाया है और अब चलते हैं नीचे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अगर फास्ट हो तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो बेबो ने अच्छा खासा रील बना दिया है मेरा, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अभी चलते हैं नीचे। सो गाइस अभी नितेश मामू भी आ चुके हैं। ये जस्की है, जस्की आपको हाय बोल लो। जसकी सेकंड तो सबको जसकी हाय बोल दिया। जसकी है। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं, अनायसा यहाँ पे खाना खा रही है, मौसी अनायसा को खाना खिला रही है। सो गाइज ये है आलू और क्या बोलते हैं सिंघाड़ा, आलू और सिंघाड़े के आटे का पकौड़ी है और ये धनिए की चटनी, धनिया और मिर्चे की चटनी। तो आप देख सकते हैं ये व्रत का आइटम है, सिंघाड़े का आटा में आलू को ग्रेड करके डाल के मिक्स करके पकौड़ी बनाया गया है। गाइस बुआ यहाँ पे मजा ले रही है पकौड़ी का, दोनों दोनों बहन।
ये दोनों बहन और यान की बेटी। चाय पियेंगे हम लोग, समय शाम का समय हो गया है, शाम का पानी का चाय लाओ। अच्छा चाय पिया कि चाय का टाइम हो गया है ना? पी रहे हैं ना, चले हम भी साथ में चले। चाय लाओ भाई, चाय के बताना है आ। तो बहू रानी चाय लेके आ गई हैं। बहू रानी चाय लेके यार आ गई, पकौड़ी बना रही हैं। ये मेरा बाबू है। कैसा लगा चाय आपको? टेस्टी है चाय। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, पसंद नहीं आएगा तो लाइक मत करना। बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करती है तो करो गाइस। सर आपका रक्षाबंधन, हम लोग जा रहे हैं बहरीन। तो अब यहाँ पे 10-15 दिन और बचा है, उसके बाद फिर हमारा छुट्टी खत्म, हम रिटर्न चले जाएंगे बहरीन। चली जाएगी, 10-12 दिन बचा है, चली जाएगी। जाएगी तो 1 साल में आती है, 1 महीने के लिए चली जाएगी, फिर 1 महीने के लिए आती है। छुट्टी होती है अगस्त में, बच्चों की छुट्टी रहती है तो वही आती है, फिर आती है। हेलो YouTube फैमिली, हम लोग फिर से वापस आ गए हैं धमाल मचाने। Yeah.